भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 अक्टूबर से टेस्ट मैच खेला जाना है और उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है और इसमें टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा को टेस्ट में ओपनिंग को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय टीम के धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा के टेस्ट में बतौर ओपनर बेहद शर्मनाक शुरुआत हुई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए और महज 2 गेंद खेलने के बाद वो शून्य पर आउट हो गए। बोर्ड प्रेसिडेंट 11 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 दिवसीय मैच साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर 279 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और जिस तरह से रोहित शर्मा से ओपनिंग की उम्मीदें लगाई जा रही थी वो साफ तौर पर विफल साबित होती नजर आई। अब देखना होगा कि 2 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की शुरुआत में क्या रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे या फिर नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आप भी इस पर अपनी राय दीजिए, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए।